दूसरे विवेकहीन हठ ने पांचाली का चीर हरण किया। ये विवेकहीनता ही तो थी महाराज जो महाभारत का बीज बना। प्रतिशोध की अग्नि शत्रु से पूर्व स्वयं को जलाती है। अपने मन को शांत कीजिए, आप अभी पुत्रहीन नहीं हुए हैं, आपके पांच पुत्र अभी जीवित है। अपने मन की अग्नि को शांत कीजिए। किंतु मेरे मन की अग्नि शांत नहीं होगी वासुदेव। छल से मेरे सभी पुत्रों को मरवा डाला वासुदेव। मैंने प्रयास किया कि मेरा एक पुत्र शेष रह जाए, परंतु उस प्रयास को भी तुम्हारे छल ने भंग कर दिया। श्री बलराम को भी अपने कपट में उलझाकर मौन करवा दिया तुमने, परंतु इस माता की ममता अब मौन नहीं रह सकती। तुम्हारे छल से मेरे कुल का नाश हुआ है वासुदेव। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी है और मैं ये सब नहीं देख पाई, परंतु तुम ये महाविनाश अवश्य देखोगे। तुम स्वयं अपने कुल के महाविनाश का प्रारंभ करोगे वासुदेव। जिस प्रकार एक प्रसन्न माता का आशीष संसार में कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार एक दुखद माता का श्राप संसार में कोई नहीं टाल सकता। मुझे आपका श्राप स्वीकार है माते। किंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस युद्ध का सत्य क्या है? क्या आप जानती हैं कि इस महाविनाश, इस महायुद्ध का वास्तविक रूप क्या है? मेरे साथ चलिए माता, उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो इस महाविध्वंस, इस महाभारत की साक्षी बनी है। ये
दुर्गंध कैसी वासुदेव? ये दुर्गंध उन वीरों के शवों की है जिन्होंने इस महायुद्ध में अपना बलिदान दिया है माता, परंतु जिन्हें अंतिम संस्कार का अवसर भी ना मिला। ये दुर्गंध यहां हुए भीषण संहार के एक एक क्षण का अनुभव करा रही है मुझे। तुमने छल से मेरे एक एक पुत्र का वध कराया है वासुदेव। अपने दिए गए श्राप पे मुझे कतई भी पश्चाताप नहीं है। इस युद्ध से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये युद्ध सबके लिए दुर्भाग्य ही साबित हुआ है और तुम्हारे लिए भी ये दुर्भाग्य ही साबित होगा। और आज मेरे श्राप के रूप में तुम भी उस युद्ध से दुर्भाग्य ही लेकर जाओगे। जब आप मुझे अपराधी मान ही चुकी हैं, जब आप मुझे दंड दे ही चुकी हैं, तो आप मेरा कोई स्पष्टीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगी माता। परंतु सत्य का भान आपके लिए आवश्यक है माता। जिनकी दृष्टि से इस महायुद्ध का कोई भी क्षण, कोई भी छल अनदेखा नहीं गया है माते, अब वीर बारबरी आपको सत्य का भान करवाएंगे। अब आपके समक्ष वीर बारबरीक है गांधार पुत्री, जो आपके पौत्र भी हैं, जो इस युद्ध के एकमात्र दर्शक हैं। वो बारबरी जिन्होंने अपना शीश दान किया और अमर हो गए। अब वही आपको सत्य का ज्ञान करवाएंगे। वीर बारबरीक की दृष्टि से इस महाभारत का कोई भी पल और छल अनदेखा नहीं रहा है माता। अब बारबरीक आपको सत्य बताएंगे। पुत्र बारबरीक, तुम स्वयं बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया है? यदि तुमने इस युद्ध का एक एक क्षण निष्पक्ष होकर देखा है तो बताओ, कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? क्या वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मेरे समस्त 100 पुत्रों के वध का कारण केवल वासुदेव है। ये भी सत्य नहीं है बारबरे? मैं आपसे सहमत हूं माते, ये सब स्वयं वासुदेव ने करवाया।